इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी या साक्षरता दर। क्या होती है साक्षरता दर? अगर हम सामान्य अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का या मनुष्य का साक्षर युक्त होने का गुण क्या कहलाता है? साक्षरता कहलाता है। व्यक्ति का अक्षर युक्त होने का गुण क्या कहलाता है? साक्षरता या लिटरेसी कहलाता है। और सामान्य अर्थ में ये तो है शाब्दिक अर्थ। सामान्य अर्थ में बात करें तो सामान्य अर्थ क्या रहेगा लिटरेसी का? जो व्यक्ति किसी भाषा में पढ़ना और लिखना जानता हो उसे लिटरेसी या साक्षर व्यक्ति माना जाता है। जो किसी भाषा को लिखना या पढ़ना जानता हो, सामान्य अर्थों में ये नाम दे दिया जाता है। और भारत में उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो अपने हस्ताक्षर कर सके, उसे साक्षर माना जाता है। तथा किसी भाषा को की वर्णमाला को पढ़ सके, किसी भी भाषा की वर्णमाला को पढ़ सके उसे साक्षर माना जाता है। ये तो थी साक्षरता की बात कि उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो किसी वर्णमाला को पढ़ सके, अपने खुद के हस्ताक्षर कर सके। फिर अलग अलग देशों में भी इसकी जो अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं। जैसे UNO अपनी भाषा जो है अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है लिटरेसी को। और कुछ देशों में क्या है कि विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने को शिक्षा माना जाता है, और कुछ जो है सिर्फ क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति विद्यालय में जाकर जो है शिक्षा ना भी प्राप्त करे और अपने हस्ताक्षर या वर्णमाला को भी पढ़ सके तो वो साक्षर है। इस प्रकार से, और इसमें किस प्रकार से हम निकालते हैं अभी उसी के बारे में बात करेंगे। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी के माप के मेथड बताने हैं हमें। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लिटरेसी, विधियां बतानी है हमें किस प्रकार से हम लिटरेसी को निकाल सकते हैं। मुख्य दो मेथड रहते हैं हमारा। सबसे पहले बात करें, हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा असोसित साक्षरता दर। इसको इंग्लिश में क्रूड लिटरेसी रेट भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्रूड लिटरेसी रेट। इसको किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं इसको? कुल
साक्षर जनसंख्या बटे में कुल जनसंख्या। कैसे निकालते हैं इसको? सी एल आर को कैसे निकालते हैं? कुल साक्षर जनसंख्या बटे में कुल जनसंख्या गुणा में 100। इस प्रकार से हम निकालते हैं, लेकिन ये वास्तविक मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, वास्तविकता की जो है साक्षरता दर नहीं आती। इसमें सभी को शामिल कर लिया जाता है, जैसे जन्म लेने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। जबकि क्या है, 4-5 साल का बच्चा होता है तो वो स्कूल नहीं जाता, तो इसको इसमें उसको भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से, और इसके बारे में हम बात करें, लोकप्रिय सूचक है, इसको आराम से निकाल लिया जाता है, इसलिए लोकप्रिय सूचक है और वास्तविक माप नहीं है ये। 5 वर्ष से कम के बच्चे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला मेथड है हमारा नंबर 2 पर, एज स्पेसिफिक लिटरेसी रेट। एज स्पेसिफिक लिटरेसी रेट इसको किस प्रकार से निकालते हैं? कुल साक्षर जनसंख्या बटे में कुल साक्षर जनसंख्या में से किसको घटाकर कुल जनसंख्या में से किसको घटाकर कुल जनसंख्या में से माइनस करेंगे हम 5 से 7 वर्ष वर्ष की जनसंख्या को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, और इस प्रकार से हमारा एज स्पेसिफिक लिटरेसी रेट निकल के आ जाएगा। और विश्व के सभी देश इसी विधि को मानते हैं, विश्व में यह सभी UNO में इसी को माना जाता है। और यदि विश्व के सभी देश इसी विधि से गणना करें तो वास्तविक परिणाम प्रकट होंगे। इसका प्रयोग करके वास्तविक साक्षरता दर को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए हैं लिटरेसी के। अभी हम फैक्टर की बात करें, कौन कौन से फैक्टर हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं और क्या हो जाता है विश्व में भी और भारत में भी साक्षरता दर में भिन्नता आ जाती है, क्या क्या फैक्टर हैं उनको डिस्कस करते हैं हम। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ लिटरेसी को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक कारक। इसमें क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले बात करें तो हम
आर्थिक स्तर, आर्थिक विकास का स्तर, विकास का स्तर। जैसे जैसे क्या होता है, मानव का आर्थिक विकास होता है तो एजुकेशन पर क्या हो जाता है, पैसा लगाता है मानव। तो इस प्रकार से विकसित देशों का आर्थिक स्तर अच्छा है तो वहाँ पर क्या है, उच्च साक्षरता दर पाई जाती है, जबकि विकासशील या पिछड़े देशों में आर्थिक स्तर निम्न होने के कारण कम साक्षरता दर पाई जाती है। फिर इसके बाद है हमारा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का प्रकार। इसमें हम देखते हैं कि कोई देश कौन सी क्रिया में है, प्राइमरी एक्टिविटी में है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में है या टर्शियरी एक्टिविटीज में है। अगर कहीं पर क्या है, विकासशील देश है या पिछड़े देशों में क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या है एग्रीकल्चर में है, तो वहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर में अत्यधिक जो है अत्यधिक एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है कम पढ़े लिखे लोगों को भी क्या है रोजगार में लगा लिया जाता है एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पर क्या है निम्न जो है निम्न साक्षरता दर पाई जाती है। और जबकि विकसित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी क्वार्टनरी इत्यादि में कार्य करना होता, तो अत्यधिक शोध इत्यादि के लिए हाई एजुकेशन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर क्या है उस स्तर पाया जाता है साक्षरता दर अत्यधिक पाई जाती है। फिर जीवन स्तर, वही है जहाँ पर क्या है कि किसी भी क्षेत्र में पर कैपिटा इनकम या अत्यधिक जीवन स्तर हाई होगा तो वहाँ पर क्या है एजुकेशन को महत्व देगा, और निम्न स्तर में क्या होगा जीवन का निम्न स्तर है तो वहाँ पर भर पोषण की चिंता लगी रहेगी, तो वहाँ पर क्या है एजुकेशन पर खर्च नहीं कर पाते, तो वहाँ पर क्या है निम्न साक्षरता पाई जाती है, इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। फिर यातायात तथा संचार, यातायात यानी कि परिवहन, संचार माध्यमों का विकास। इसमें क्या होता है कि अगर संचार इत्यादि या यातायात की सुविधाएं हैं तो वहां पर क्या करेंगे विद्यालयों तक पहुंचाने के लिए, विद्यार्थियों को स्टूडेंट को पहुंचाने के लिए सुविधा है तो वहां पर एजुकेशन अच्छी रहेगी, लेकिन जहां पर ये सुविधाएं की कमी है, पिछड़े एरियाज में परिवहन इत्यादि की कमी है, तो वहां पर क्या रहेगा वहां पर एजुकेशन का निम्न स्तर पाया जाएगा। फिर तकनीकी विकास का स्तर, विकास का स्तर, तकनीकी विकास का तकनीकी टेक्नोलॉजी का भी प्रभाव रहता है, जहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पर क्या है उच्च साक्षरता दर पाई जाती है, निम्न तकनीकी वाले देशों में कम साक्षरता दर पाई जाती है। फिर है शिक्षा की लागत, शिक्षा की लागत, जैसे स्कूली शिक्षा क्या है कि लगभग क्या है सभी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हाई जो यूनिवर्सिटीज इत्यादि की जो शिक्षा होती है जैसे डॉक्टर इत्यादि के लिए, तो वहाँ पर क्या है आर्थिक रूप से जो है आर्थिक रूप से अगर जीवन में सुधार है तो वो लोग आराम से चले जाते हैं, जबकि इसका प्रभाव हम देख ही सकते हैं शिक्षा पर लागत का, धन अत्यधिक है तो आराम से कोई इंसान शिक्षा प्राप्त कर लेता है। फिर इसके बाद है सामाजिक कारक,
ये तो थे आर्थिक। अभी सामाजिक कारक की बात करें तो सामाजिक कारक में क्या क्या आएंगे हमारे? सामाजिक कारक पहला है शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण। शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण जहाँ पर क्या है, लोगों की परंपरागत रूढ़िवादी सोच है, तो वहाँ पर क्या है, महिलाओं को भी शिक्षा के लिए बाधा का सामना करना पड़ता है। जबकि जो विकसित क्षेत्र जैसे यूएस, यूरोप आदि इत्यादि देशों में क्या है कि वहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर और पुरुष की साक्षरता दर में भी अंतर कम मिलता है। जबकि जो विकासशील भारत जैसे देश है, यहाँ पर जो है महिलाओं को शिक्षा में कम प्रतिशत पाया जाता है, जबकि पुरुषों का अत्यधिक पाया जाता है। इस प्रकार से समाज के जो है दृष्टिकोण का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है कि वो कितना शिक्षा के प्रति जागरूक है। फिर अगला है हमारा समाज में स्त्रियों की स्थिति। समाज में स्त्रियों की स्थिति वही हमने पहले भी बात की है, जहाँ पर क्या विकसित क्षेत्रों में क्या है महिलाएं क्या है कि अपना खुद का फैसला खुद ले पाती है, जबकि विकासशील देशों में इस प्रकार की जो है कम देखने को मिलता है। और क्या है महिलाओं की भागीदारी कम होने से वो क्या करती है, घर में ही घर के कार्य इत्यादि को ही संभालती है। इसलिए महिलाओं की क्या है निम्न स्थिति होने के कारण शिक्षा का प्रतिशत भी कम हो जाता है, कम महत्व दिया जाता है महिलाओं को विकासशील या पिछड़े देशों में, जबकि विकसित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी शिक्षा में बराबर है। फिर धार्मिक विश्वास जैसे हिंदुओं इत्यादि में क्या है, हिंदुओं में साक्षरता अधिक पाई जाती है, क्योंकि पूजा पाठ इत्यादि के पढ़ने के लिए भी क्या करते हैं, उद्देश्य से भी लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि मुस्लिम कंट्रीज में क्या होता है कि नमाज आदि को बोल कर पढ़ा जाता है तो इसी वजह से क्या है वहाँ पर शिक्षा और महिलाओं की बिल्कुल ही शिक्षा कम पाई जाती है निम्न स्तर के कारण। धार्मिक रीति रिवाजों का काफी प्रभाव देखा जाता है शिक्षा पर। ईसाई धर्मों में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। फिर शिक्षण संस्थाओं का प्रसार। शिक्षण संस्थाओं का प्रसार भी प्रभाव डालता है। अगर किसी क्षेत्र में क्या है विद्यालय विश्वविद्यालय अत्यधिक का प्रसार है वहाँ पर आसपास है, तो वहाँ के लोग जो है शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। और अगर बिल्कुल पर क्या है बहुत ही दूर है तो वहाँ पर भी क्या है शिक्षा कम मिलेगी। फिर इसके बाद हमारे सामाजिक के बाद आते हैं राजनीतिक कारक आ जाते हैं हमारे शिक्षा को जो है साक्षरता को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारक।
राजनीतिक कारक, इसमें देख लेते हैं राजनीतिक में सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां समय समय पर भारत में भी क्या है, शिक्षा नीति या जनसंख्या नीति बनती रहती है, जिसमें क्या है कि बजट के हिसाब से क्या दिया जाता है, शिक्षा में कितना लगेगा उस हिसाब से खर्च को पहले ही क्या कर लिया जाता है, देश की सरकार के द्वारा नीति में शामिल कर दिया जाता है और समय समय पर कुछ स्कीमें चलाई जाती हैं, जैसे मिड डे मील योजना इत्यादि चलाई जाती है शिक्षा इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए। तो इस प्रकार से क्या है, अपने अपने हिसाब से विश्व की जो है शिक्षा नीतियाँ भी अलग अलग ही मिलेंगी सभी की। इस प्रकार से होता है, सरकार अपने हिसाब से क्या करती है, अपने जो है देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए शिक्षा नीतियाँ बना लेती है और भविष्य के संदर्भ को शामिल करते हुए। फिर जनांकीय नीति होती है, जनांकीय नीति इसमें भी यही देखा जाता कि कुछ देश होते हैं जैसे पिछड़ी जो जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में होते, कुछ क्या है फोर्थ में होते, विकसित देश किसमें है फोर्थ अवस्था में, तो एजुकेशन वहाँ पर हाई मिलेगी और जो पिछड़े हुए देश हैं विकासशील देश है वो प्रथम सेकंड जो अवस्था है, तो वहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर इत्यादि पिछड़ी अवस्था के कारण अत्यधिक है, तो वहाँ पर क्या है साक्षरता दर कम मिलेगी। इस प्रकार से जनांकीय संक्रमण भी प्रभावित करता। फिर नगरीकरण, विकासशील देशों में क्या है जो है विकासशील देशों में अर्बन एरिया में पॉपुलेशन की कमी होती है और अर्बन क्षेत्र में क्या है विकसित क्षेत्र होते हैं जो जहाँ पर पॉपुलेशन नगरीकरण प्रतिशत में अधिक होती है, तो वहाँ पर एजुकेशन के प्रति लोग क्या है अवेयर है, तो वहाँ पर जनसंख्या का साक्षरता दर भी अधिक मिलेगा। जबकि विकासशील देशों में क्या है कि जनसंख्या ग्रामीण अत्यधिक है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा साक्षरता दर भी कम मिलेगी। जो जहाँ पर क्या है नगरीकरण अत्यधिक हो जाता है वहाँ पर एजुकेशन प्राइमरी सेक्टर में ना होकर के लोग सेकेंडरी और टर्शरी क्वार्टनरी क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण इत्यादि करना होता है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर एजुकेशन को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे कार्य कंप्लीट होते हैं। अभी हम बात करेंगे लिटरेसी पैटर्न इन दी वर्ल्ड, पूरे विश्व का वितरण देखेंगे हम, पैटर्न देखेंगे किस प्रकार का है लिटरेसी में, लिटरेसी पैटर्न हिंदी वर्ल्ड, हिंदी वर्ल्ड पूरे विश्व का हमें वितरण देखना है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विकसित देशों में में साक्षरता दर क्या है 99% है, किंतु पिछड़े देशों में है 40%। ये बात कौन कहता है, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े क्या कहते हैं कि विकसित में कितनी है, विकसित में कितने लोग पढ़े लिखे हैं 99% और पिछड़े देशों की हमने
बात की थी, पिछड़े देशों में कितनी है, पिछड़े में 40% पॉपुलेशन साक्षर है। इसलिए पूरे विश्व को चार भागों में बांटकर हम देखते हैं इस प्रकार से अलग अलग जो है कम से ज़्यादा से कम की तरफ हम किस प्रकार से देखते हैं चार भागों में रख कर देखें तो अति उच्च साक्षरता वाले क्षेत्र पहले नंबर पर है हमारा अति उच्च साक्षरता कहाँ पर है इसमें आ जाएगा जहाँ पर 90% से अधिक लोग पढ़े लिखे हैं। क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र इसमें अंगला अमेरिका कुछ यूरोपीय देश इसमें आ जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड और विकासशील में भी कुछ देश इसमें शामिल हो जाते हैं। मेनली ये तो रहेंगे ही अंगला अमेरिका यूरोपीय देश होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया भी डेवलप्ड है तो और न्यूजीलैंड ये तो आएंगे ही। इनके अलावा क्या है विकासशील देशों में जैसे विकासशील देशों में भी कुछ शामिल हो जाते हैं जैसे एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ देशों में जैसे जापान आ जाता है। फिर है लैटिन अमेरिका और एशियाई देश भी कुछ इसमें विकासशील में से भी शामिल हो जाते हैं। अब बात करें हम इसके बाद दूसरे नंबर पर है हमारा उच्च साक्षरता, वो तो थी अति उच्च, अब ये उच्च साक्षरता इसमें देख लेते हैं 60-90% तक। इसमें कौन कौन से देश आते हैं मैं पढ़ देती हूँ, लैटिन अमेरिका का ब्राजील, पेरू और अफ्रीका के लीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, गाना, किनिया, तजान, युगांडा, रुआंडा और एशिया में चीन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, म्यांमार, कंबोडिया, मंगोल ये आ जाते हैं। फिर है मध्यम साक्षरता, मध्यम साक्षरता में है हमारी 40-60%। इसमें आ जाते हैं हमारे उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, इथोपिया और चाड, सूडान, बुरुंडी, मिस्र, मोरक्को और दक्षिणी एशिया में आ जाते हैं हमारे भारत और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान देश आ जाते हैं। भारत हमारा विश्व के चार भागों के हिसाब से बांटते हैं तो विश्व में हमारा मध्यम साक्षरता वाले देशों में आ जाता है भारत। फिर निम्न साक्षरता,
निमन अति निमन, इसमें कितने से कितनी होती है, 40 से कम, 40% से कम साक्षरता वाले आ जाते हैं। इसमें आता है गिनी माली नाइजर, अफ्रीका का गिनी माली नाइजर। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से चार भागों में से किसको किस में रखना है। सारे के सारे विकसित क्षेत्र है जो, और एशिया का जापान भी क्या है, विकसित है, तो ये आ जाते हैं उच्च साक्षरता वाले क्षेत्रों में। सबसे पहले हम बात करें किस प्रकार से रहेगा, हम 2004 का डेटा है हमारे पास, तो इसके हिसाब से देखते हैं हम विश्व के उच्च साक्षरता वाले, विश्व के उच्च साक्षरता वाले देश देख लेते हैं। सबसे पहले है नॉर्वे। इस प्रकार से हम ट्रिक से देख सकते हैं नॉर्वे को, नॉर्वे कि कोई जो है अशिक्षित ना रहे, तो उस देश को क्या नाम दे दिया, नॉर्वे, नॉर्वे नाम दे दिया। पहले नंबर पर आता है, यानी कि कोई भी नॉर्वे, कोई भी नहीं है शिक्षा के बिना, नॉर्वे। फिर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर है कनाडा, कनाडा। फिर है जापान, चार नंबर पर। पांच नंबर पर फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका। फिर छठे नंबर पर है नीदरलैंड, ये यूरोपियन कंट्री है। फिर जर्मन आ गया, जर्मन भी यूरोप का है, जर्मनी। फिर है फ्रांस, ये यूरोप के सभी के सभी। और फिर आता है हमारा डेनमार्क, डेनमार्क। फिर है 10 नंबर पर है हमारा कोरिया, कोरिया है दक्षिण एशिया का है कोरिया। और सर्वाधिक क्यूबा में है, इनके अलावा सर्वाधिक कहाँ पर है, क्यूबा में है। फिर कम वाले देख लेते हैं, ये तो थे उच्च वाले, अधिक वाले थे, कम वाले देख लेते हैं, निमन वाले, निमन वाले विश्व लेवल पर। माली, माली सबसे पहले आता है, फिर सेकंड है चांड, फिर नाइजर, फिर है गिनी, फिर बेनिन, बेनिन आ जाता है। इस प्रकार से माली, चांड, नाइजर, गिनी, बेनिन, ये आ जाते हैं निमन में, निमन साक्षरता दर में विश्व लेवल पर। तो इतना हमें आइडिया सा हो जाता है, क्योंकि सारे सारे का सारा डाटा तो याद भी नहीं रहता है। और लिटरेसी इन इंडिया, अभी हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, तो इंडिया के संदर्भ में हम पैटर्न देख रहे हैं।
इलिटरेसी इन इंडिया। लिटरेसी इन इंडिया 2011 में भारत में टोटल लिटरेसी कितनी रही है? 2011 में भारत में टोटल लिटरेसी जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार टोटल लिटरेसी एवरेज की बात करें तो हम कितनी है, टोटल कितनी है, कितनी है टोटल, कितनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है? 74.04% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी है, लिटरेट है। और फिर है इसमें मेल पॉपुलेशन कितनी है, मेल पॉपुलेशन 82.19%, जबकि फीमेल फीमेल में कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है 65.46%। इस प्रकार से टोटल है 74.0 और मेल पॉपुलेशन है 82 और फीमेल है 65। इस प्रकार से अंतर कितना रह जाता है दोनों में, अंतर 16 का अंतर रह जाता है। और जनगणना जो है प्रथम 1919 में भारत की प्रथम जनगणना की जिससे साक्षर व्यक्तियों की संख्या 1991 में प्रथम ऐसी जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना में क्या देखा गया कि साक्षर व्यक्ति अधिक थे असाक्षर व्यक्तियों से, ऐसा देखा गया। तो जैसा कि हम भारत में बात कर रहे हैं अभी, भारत कैसा देश है, विभिन्नता वाला देश है जिसके क्या है सामाजिक आर्थिक या जनांकीय तीनों ही प्रकार से क्या है असमानता है। तो इस प्रकार से भारत की जो है पॉपुलेशन में साक्षरता में भी अंतर आ जाता है। भारत में पुरुष और स्त्री साक्षरता ग्रामीण और नगरीय साक्षरता में अंतर देखने को मिलता है। ग्रामीण और नगरीय में भी और पुरुष और महिला के साक्षर होने में भी इसके प्रभाव करने इसको प्रभावित करने वाले या मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही सभी प्रकार की साक्षरता में उल्लेखनीय प्रादेशिक अंतर भी पाया जाता है। इन तथ्यों का विवरण अभी हम बात करेंगे। प्रादेशिक प्रतिरूप में बात करें तो सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ की है, साक्षर पॉपुलेशन कहाँ की है, सर्वाधिक
साक्षरता कहाँ पर है? केरला में। और निमन कहाँ पर है? बिहार में। निमन बिहार की और केरला की अत्यधिक पॉपुलेशन जो है पढ़ी लिखी है। और महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता में भी अंतर केरल में कम है जबकि राजस्थान में अधिक है। फिर अगर हम मेन राज्यों की बात करें तो केरल के बाद हमारा स्थान आता है लक्षद्वीप का और फिर मिजोरम का आता है। केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम ये है जो सर्वाधिक जो है जनसंख्या पढ़ी लिखी है यहाँ की। भारत को 3 भागों में बांटा जाता है साक्षरता दर में। भारत को हम जैसे विश्व को हमने 4 में बांटा था तो अभी भारत को हम कितने में बांट रहे हैं? 3 भागों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले है हमारा उच्च साक्षरता भारत के संदर्भ में। उच्च साक्षरता जहाँ पर 80% से अधिक पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, साक्षर है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? इसमें 16 राज्य या यूटी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। सबसे पहले है, अभी हम देख लेते हैं, सबसे पहले है हमारा, पहला है केरला, फिर दूसरा है लक्षद्वीप और तीसरा है मिजोरम, फिर त्रिपुरा। इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं, जैसे यह हमारा भारत है इस प्रकार से। तो जैसे 2 यहाँ पर केरला और लक्षद्वीप पास पास है, 2 एक जगह से पहले फर्स्ट ही आ जाते हैं। फिर मिजोरम और त्रिपुरा एक साइड पड़ते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ से ले लिए हमने दूसरे नंबर के। पहले केरला और लक्षद्वीप दोनों क्या है, पास पास, इनको ही हम साक्षरता में पहले रख लेते हैं। फिर 2 हमारे क्या है, 7 सिस्टर्स में से हैं, मिजोरम और त्रिपुरा, उनको रख लेते हैं। फिर है इसके बाद फिर से हम दक्षिणी भाग में ही आ जाते हैं। इस प्रकार से दक्षिणी भारत में ही आ जाते हैं, आ जाता है हमारा गोवा। फिर गोवा के बाद इस प्रकार से चलते हैं हम, दमन एवं दीप और फिर दिल्ली और चंडीगढ़ आ जाएंगे हमारे, पांडुचेरी आ जाएंगे हमारी, यूटी है पांडुचेरी। पांडुचेरी केरला के पास भी है, माहे वाली और एक इधर भी पड़ती है, पांडुचेरी आ जाएगी हमारी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तरी मैदानी भागों की तरफ, यहाँ पर आएगा हमारा चंडीगढ़ और दिल्ली। फिर से हम इस प्रकार से जाते हैं अंडमान और निकोबार। इस प्रकार से हमारे ये अत्यधिक जो है उच्च साक्षरता वाले राज्य या यूटी आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पर हमने रखा है मध्यम साक्षरता वाले, मध्यम साक्षरता वाले। इसमें कितने से कितने तक है? 70 से 80 के बीच आ जाते हैं साक्षर। 13 राज्य या यूटी को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें आ जाता हमारा मणिपुर, नाम ही बोल देती हूँ मैं, जैसे मणिपुर, उत्तराखंड। आप अपने एटलस को साथ में रखें ताकि आप आराम से देख पाएं। मणिपुर, उत्तराखंड, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा भी हमारा मध्य में ही पड़ता है।
और आंध्र प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये टोटल 13 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करें नीमन में, नीमन साक्षरता में, नीमन साक्षरता में कौन कौन से आते हैं? 70 से कम वाले। बिहार प्रथम स्थान पर आता है, बिहार जो है प्रथम स्थान पर आता है, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर थर्ड नंबर पर है राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आ जाता हमारा कर्नाटक, झारखंड से पहले कर्नाटक और फिर झारखंड, फिर है जम्मू एंड कश्मीर और फिर यूपी। निम्न होने का कारण क्या है? कारण वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना कई बार, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कारण के हिसाब से भी हम देख लेते हैं। इनमें निम्न होने का कारण क्या है? इन राज्यों में क्या है? ग्रामीण जनसंख्या अधिक है एक तो, और क्या है, कृषि क्षेत्र में प्रधानता है, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में कम लोग हैं, पिछड़ापन होना, और केरला इत्यादि के संदर्भ में हम देखें तो अत्यधिक होने का कारण हम देख लेते हैं। अत्यधिक होने का केरला में कारण क्या है? एक तो ईसाई प्रभाव, ईसाई धर्म का प्रभाव अधिक है और जागरूकता अधिक होती है लोगों की, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर है ये डाटा है, ये डाटा है जो डाटे के हिसाब से स्टेट का दिया हुआ है, इससे भी आप देख सकते हैं कि कहां पर कितनी पॉपुलेशन है। 2011 के अनुसार डाटा, अधिक में बात कर रहे हैं, अधिक में हम बात कर रहे हैं। साक्षरता दर में सबसे पहले स्थान आता है केरला 92.92%, फिर है दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप, कितने हैं? 91.92। फिर है मिजोरम में कितनी है? 84.31%। ये रहेगा हमारा, हाँ, त्रिपुरा में इससे ज़्यादा है, ये हमारा फोर्थ नंबर का है, और थर्ड नंबर का हमारा रख सकते हैं हम, मिजोरम के स्थान पर त्रिपुरा का स्थान पहले आता है डेटा के हिसाब से, त्रिपुरा का पहला आता है, 85 है इसकी, 85.58 है। फिर है पांचवें नंबर पर गोवा आ जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, 84.26। फिर छठे नंबर पर दमन एवं दीप आ जाता है हमारा, 81.51। फिर सातवें स्थान पर आ जाता हमारा पांडुचेरी और
फिर आठवें पर हमारा दिल्ली है। आठवें पर दिल्ली का ही चलिए और पहले आ जाता है। अगर दिल्ली को हम जो है देख रहे हैं तो इसका रहता है 82.9। अगर यूट्यूब बीच में दिए हुए तो हम माही से पहले भी दिल्ली को लगाएंगे। फिर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ है दिल्ली और चंडीगढ़ आ गए। फिर है हमारा अंडमान निकोबार, फिर है हिमाचल प्रदेश इस प्रकार से, और हरियाणा की स्पेस देखे तो हम हरियाणा की हमारी 72 कहीं पर क्षेत्र दिया हुआ है। तो इस प्रकार से तो थी अधिकतम, ये तो अधिकतम थी। इसके बाद हम बात करें अधिकतम वाले थे, निम्न में हम बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है बिहार 61.3983। फिर बिहार के बाद अरुणाचल, फिर अरुणाचल के बाद आ जाता है राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद आ जाता है झारखंड, फिर आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार से एक बार आप लिस्ट को देख भी सकते हैं। क्योंकि डेटा में परिवर्तन होते रहते हैं। थैंक यू।